मेरा काम 3 महीने तक मैंने लैपटॉप को लेकर रखा। मेरे को एक वीडियो, मेरा मेरे चैनल पे एक वीडियो भी एडिट होके नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि मेरी गलती है। जिस बंदे को प्रॉपरली चीज़ करनी चाहिए थी, उसने पैसा लगाया और किया नहीं, तो फायदा क्या है ना? तो यार करो जैसा भी है। थैंक यू। चलो अब मैं एडिट कर लेता हूँ इसको, आपको पता ही लग जाएगा कि कैसे कैसे एडिट हुआ कैसे नहीं। थोड़ा सा ठीक करना है इसमें। तो ये लैपटॉप मेरे यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो भाई ने दिए कि आज मैंने एडिटिंग की तैयारी करी है और देखते हैं एडिटिंग में क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। और देखते हैं आई होप कि अच्छा ही होगा। अगर आपने लैपटॉप लिया है, जैसे ये लैपटॉप मैंने ले रखे हैं यहाँ पे, अगर ये आपने ऐसी तैसी करवा रखी है, लाख रुपए की ऐसी तैसी करवा रखी है, मतलब कि 80,000 रुपये की, ठीक है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं आती कोई भी चीज़, तो वो आपको प्रॉब्लम है। तो आप मतलब कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो जो अपने आप पे डिपेंड रहता है, खुद पे डिपेंड रहता है, वो बंदा लॉन्ग टर्म लंबी रेस का घोड़ा होता है। ठीक है, मतलब कट कट करके डालूंगा अभी, ठीक है ना, इस वीडियो को मैं वैसे दिखाऊंगा आपको कि मैंने क्या 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 किया, ठीक है, कैसे दूसरों के भरोसे रह के कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सीख लिया ये चीज़ जो कि मुझे बहुत पहले सीख जानी चाहिए थी। देखो यार, अपना काम करने में कोई शर्म नहीं होती। मैं अगर वीडियो एडिट करता हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे लगा देता ना, सही रहता। अगर मैं इसमें वीडियो एडिट कर भी रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस पे, ठीक है, लैपटॉप पे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कौन सा है सॉफ्टवेयर, कौन सा है, 2 बार क्लिक किया फिल्मोरा, ठीक है, ये मैं इस पे वीडियो चलाया, ये देखो। हाय, क्या हाल भाई सबके। आज मैं फाइनली एडिटिंग के लिए बैठा हुआ हूँ, और जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं इसमें एडिट करके डालूंगा, ठीक है, देखते हैं कैसे कहाँ तक क्या जाएगी। तो थोड़ा सा मेरे को एडिट, ओके, तो ट्राई करें, आई विल ट्राई। हाँ, इसमें से कंटिन्यू मेरा ब्लॉग अभी क्या बोलते हैं वीडियो बना रहा हूँ अभी फिलहाल, तो आई होप कि अच्छा ही आएगा। तो देखता हूँ कि इसके अंदर से मेरे को कहाँ पे कट करना, कहाँ पे क्या जोड़ना, वीडियो अच्छा, आई थिंक, आई होप कि मुझे मुझे करना ही पड़ेगा। दूसरी बात तो क्या बोल सकता हूँ आपको मैं, और कोई भी चीज़ हो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, और आपका टाइम ख़राब हो सकता है। और मैं इसमें और ये जितना जल्दी जो बंदा सीखे फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे, और किसी और के ऊपर डिपेंड रहता तो मुझे नहीं लगता कि वो चल पाएगा आगे। क्योंकि आपको चीज़ें आनी चाहिए, भले ही कोई और करे काम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट है, लेंगे कोशिश की। मैंने एडिटिंग के लिए ऑफर भी किया लोगों को, बट यार नहीं हो पाया, तो अब खुद ही करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ये बोलना है कि जो बंदा 1 लाख रुपये चीज़ ले सकता है, वो कर नहीं सकता क्या कुछ? अगर मैं 1 लाख रुपये का ताम झाम मैंने शुरू लिया अभी, ठीक है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर डलवा रहा हूँ, सीधी जो भी है, मतलब कि, तो मैं क्या, मैं वीडियो एडिट नहीं कर सकता भाई, या मैं कुछ कर नहीं सकता? तो ये गलत फहमी दुनिया की। आई थिंक मैंने तो सभी को चांस दिया है मेरी तरफ से कि आप करें, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूँ मेरे भाई, कुछ नहीं है। पर मेरी थिंकिंग ये थी कि मैं कैमरा भी ना सीखूं, बट मुझे कैमरा ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज होने बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सब बेकार है, मतलब बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेरे को मजबूरी में ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेने पड़ रही है अभी, और ये कहीं ना कहीं मेरे लिए मायने भी रखेगी। तो आई एम वेरी हैप्पी, मतलब ये कि कोई भी हो चाहे, किसी के साथ में वो चीज़ें होती रहती हैं। मुझे लगता है कि अगर कभी कभार आपका काम ना होना तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे दुख होता है, लेकिन लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है।
और मेरा अगर एडिट कर देते बंदे ठीक है, या दोस्त मान जाते या पैसे ले लेते किसी से मैं बात कर रहा था, तो मेरे को हमेशा उनकी आदत होती। आज मेरा ये लैपटॉप लेके मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, कहीं पे शूट कर सकता हूँ, मेरा कैमरा उठा के ठीक है, कैमरा मैं स्टिल कर दूंगा कहीं पे भी। किसी सेलिब्रिटी के पास मेरे को जाना होगा तो मैं कैमरा मेरा स्टिल कर दूंगा, माइक लगा के एकदम ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड होता रहेगा, नो प्रॉब्लम। कैमरा के साथ में ऐसा, अभी कैमरा भी लेना मेरे को करीब 2.5 लाख रुपया कैमरा मैंने देखा तो ले लूँगा मैं, और माइक है करीब 30 से 40 हज़ार रुपये माइक है, वो भी मेरे को ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ये कि मैं चाहता था कि मेरे साथ जो बंदा रहे कोई ना कोई उसको रोज़गार मिलेगा और उसकी अच्छी रोटी चलेगी, मेरी थिंकिंग ये थी। बट कुछ लोगों को नहीं चाहिए ये सब चीज़, तो क्या कर सकते हैं। अगर मुझे कोई बोलता कि मेरा जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो और मुझे कोई बंदा बोले कि जैसे मैं 20 हज़ार रुपये कहीं से कमाता हूँ, तो मुझे जिस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है मेरे को वहाँ पे काम मिलता है, तो मैं यार वहाँ पे जाऊँगा, चाहे मेरे को 10 हज़ार रुपये मिले या 5 हज़ार मिले, जब मैं वो सीख लूँगा ठीक है काम अच्छे से, तो जाहिर सी बात है मेरे को और पैसा मिलेगा ऑटोमेटिक। अब देखो जिस बंदे की जितनी सोच होती है उतना काम करेगा, मेरी जितनी मैं करूँगा किसी और की कोई और। बट फेलियर से आज तो खाना भी नहीं खाया यार, पता नहीं आज कैसा रहा, बट आई होप कि अच्छा ही है। अभी मैं इस वीडियो को ना इसमें डालूँगा लैपटॉप में, और पहला मेरा ऐसा वीडियो होगा शायद जो कि यूट्यूब पे या फेसबुक पे अपलोड होगा, जो कि एडिट करके, जो मैं एडिट करूँगा खुद, किसी और को एडिट करने की वो नहीं। बहुत ही कुछ करते हैं लाइफ में, इतना मेरे को समझ में आएगा, और मैं अपने आप को फेलियर भी नहीं बोल सकता। रिजेक्शन पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जो भी था वट एवर मेरे को नहीं पता, बट अभी हाँ वीडियो एडिट करना तो मेरे को पड़ेगा अभी ठीक है। आई होप कि थैंक यू सो मच, लव यू, और आई होप कि अच्छी सारी अच्छी बहुत सी ऐसी वीडियोज़ अभी मेरी एडिट होके आएंगी यहाँ पे लैपटॉप पे, और आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक मैं जैसा चाहता था वैसा हो रहा है फिलहाल, और देखो ये वीडियो मैं अभी एडिट करने की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये देखो इधर प्रवीण ऐसे शूट करते रहते हैं आईफोन वाले ना, ऐसे ऐसे लगे रहते हैं साले। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ये मैंने शूट किया था कहीं पे, नॉर्मली ऐसे ब्लॉग टाइप का बना रहा था मैं, तो आई होप मजे लो, आप लाइफ में हैप्पी रहो, खुश रहो, एंजॉय करो, और थैंक यू सो मच।